कहानी वही 400 साल पुरानी, जहां रानी अलम्मेलम्मा ने मालंगी पर वह तीन श्राप दिए थे कि तलकाड़ु रेत में ढक जाए, मालंगी में स्थित कावेरी नदी में चक्रवात हो और इस वंश के राजा रानी की गोद हमेशा सुनी रहे। इस श्राप ने इस शाही घराने को साल दर साल करते करते सदियों तक पीछा किया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्मय, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और इस भाग में हम अलम्मेलम्मा के तीसरे श्राप की ओर चलेंगे। तीसरे श्राप के पीछे का वैद्यकीय कारण समझेंगे, श्राप से उत्पन्न होने वाले बांझपन के पीछे का वैद्यकीय कारण हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले दो भाग में हमने अलम्मेलम्मा के श्राप को जाना है। अलम्मेलम्मा के श्राप के पहले के जो दो हिस्से हैं उसके पीछे का भौगोलिक कारण हमने समझा है, और इस भाग में हम तीसरे श्राप का यानी कि बांझपन के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, और किस प्रकार बांझपन एक मेडिकल कंडीशन है और उसका श्राप से कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि किसी कारण से अगर वो भाग आपने मिस कर दिए है तो पहले जाके वो भाग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, और उसके पश्चात ये भाग को देखने की चेष्टा करें। तो तीसरा श्राप कुछ ऐसा था कि राजघराने में कोई भी संतान का जन्म नहीं होगा, और इसके वजह से राजघराने को अक्सर अपने उत्तराधिकारी को गोद लेना पड़ा। देखिए, ये जो तीसरा श्राप है वो बहुत ही हैरतअंगेज है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि विवाहित जोड़ों में अगर बांझपन होता है तो या तो लड़के में कोई मेडिकल कंडीशन पाई जाती है या फिर लड़की में कोई मेडिकल कंडीशन पाई जाती है, लेकिन ये मेडिकल कंडीशन उसी विवाहित जोड़े को सीमित रहती है। ये साल दर साल, वंश दर वंश, हर पीढ़ी में ये कंडीशन नहीं पाई जाती है। लेकिन ये जो मैसूर राजघराने की जो बांझपन की कहानी है वो बहुत ही स्ट्रेंज है और बहुत ही हैरतअंगेज है, क्योंकि 400 सालों में मैसूर राजघराने में कई बार उत्तराधिकारी को गोद लिया हुआ है ताकि अगले राजा को घोषित किया जाए, अगले राजा को गद्दी दी जाए। जब हम इतनी बड़ी रियासतें और इतने बड़े राजघराने देखते हैं
तो एक बात तो हम समझ जाते हैं कि भूतकाल में बहुत सारे जंग हुए रहेंगे, बहुत सारे युद्ध हुए रहेंगे, और युद्ध में हमेशा बलवान या फिर बुद्धिमान व्यक्ति की ही जीत होती है। और इसी के तहत डार्विन की भी एक थियरी है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि जो बलशाली है, जो बुद्धिशाली है, उसी की जीत होती है। ऐसे ही कुछ हुआ है इस केस में भी। ये जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत है वो हमें दुनिया भर में देखने को मिलता है। बाजी फिर या तो कोई शतरंज की हो या कोई खेल स्पर्धा की, यह सिद्धांत जंगल से लेके कॉरपोरेट जंगल तक लागू है। किसी जीव से लेकर जीवाणु तक और जीवाणु से भी अति सूक्ष्म हमारे डीएनए तक ये सिद्धांत लागू होता है। डीएनए हमारे भीतर होने वाले वो अति सूक्ष्म घटक है जो हमारे व्यक्तिमत्व से लेकर हमें होने वाली संभव बीमारी का लेखा जोखा रखते हैं। कैसे कोई व्यक्ति रूपरेखा में लंबा या बौना, गोरा या सांवला होता है, या फिर किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की पीड़ा होती है, या किसी अन्य आनुवंशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार होता है, ये सारी जानकारी हमारे डीएनए में किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह कोडेड रहती है। और हर डीएनए में दो घटक होते हैं, या तो दोनों घटक बलवान हो सकते हैं जिसके वजह से व्यक्ति बलवान होती है, या तो फिर दोनों घटक कमज़ोर हो सकते हैं जिससे व्यक्ति कमज़ोर हो सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में एक कमज़ोर घटक है और एक बलवान घटक है तो बलवान घटक विजयी होगा और कमज़ोर घटक को अपने शरीर के ऊपर कोई भी दुष्परिणाम लाने नहीं देता। इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो डोमिनेंट जीन है यानी कि जो बलशाली जीन है वो एक कमज़ोर जीन के ऊपर विजय लाता है और व्यक्ति को कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन किसी कारण से एक व्यक्ति के डीएनए में दोनों भी घटक अगर कमज़ोर आए तो उस व्यक्ति को उसके दुष्परिणाम सहने पड़ते हैं। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब रिश्तों में शादियाँ होती है तो ये कमज़ोर घटक बढ़ते चले जाते हैं, इससे बच्चों में जेनेटिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में जैसे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो वायरसेस और करप्ट फाइल को साफ करते हैं, उसी समान इस दुनिया में भी ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है जिसे हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति धीरे धीरे ऐसे जो कमज़ोर घटक के जीन्स है उन्हें नष्ट कर देती है, उन्हें निकाल देती है, उन्हें एलिमिनेट करती है। और अगर किसी व्यक्ति में ये दोषी जीन आए तो उस व्यक्ति को ही एलिमिनेट कर देती है या उस व्यक्ति को ही नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से प्रकृति अपनी एक सिलेक्शन करती रहती है जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अब समझते हैं इस नेचुरल सिलेक्शन का प्रभाव बच्चों पर कैसे पड़ता है। पहले समझते हैं कि बच्चों की उत्पत्ति कैसे होती है। शुक्राणु और अंडे का मिलन गर्भ के फैलोपियन ट्यूब में होता है, उसके पश्चात ये फर्टिलाइज अथवा निषेचित अंडा यानी कि शुक्राणु के साथ मिला हुआ जो अंडा है वो गर्भ में स्थगित हो जाता है और बढ़ने लग जाता है। उसके पश्चात वो एक अर्भक का रूप लेता है और यही अर्भक 9 महीने के बाद नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो यदि कोई सूक्ष्म जेनेटिक दोष हो तो वह नवजात शिशु जन्म होने के पश्चात कुछ दिनों में विकृति दिखाता है जिसे हम न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग नामक जांच से पकड़ सकते हैं, उन्हें जांच सकते हैं। यदि कोई आनुवंशिक जेनेटिक दोष भीषण हो तो प्रकृति उन्हें पहले तिमाही यानी कि पहले 3 महीने में ही अर्भक को भीतर से ही नष्ट कर देती है और गर्भपात के जरिए उसे निकाल देती है। यदि कोई बहुत ही बड़ा आनुवंशिक जेनेटिक दोष हो तो उस विवाहित जोड़े को प्रकृति बांझपन दे देती है, शुक्राणु और अंडे का मिलन ही नहीं हो पाता, या फिर शुक्राणु अंडे का मिलन जो है वो गर्भाशय में स्थगित नहीं होता। ताकि यह डिफेक्टिव जीन दुनिया में नहीं ला पाए इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन इनफर्टिलिटी। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार का बांझपन रिश्तों में शादियां होने के वजह से निर्माण होता है, और रिश्तों में ये शादियां होने के वजह से उनकी प्रजनन क्षमता कम होती है और इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन इनफर्टिलिटी। ऐसे तो बांझपन के कई सारे कारण हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन साल दर साल करते करते 400 साल तक पीढ़ियों को ग्रसित करते हुए अगर बांझपन की कंडीशन होती है तो उसके पीछे का कारण निश्चित ही जेनेटिक होता है,
जैसे घर में माता पिता में से किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो वो कंडीशन बच्चों में भी आ ही जाती है, तो इस प्रकार से वो एक आनुवंशिक कंडीशन बन जाती है और ये बांझपन की कंडीशन भी आनुवंशिक हो सकती है। मैसूर राजघराने के अलावा ऐसे कई राजघराने हैं जिसमें ये बांझपन की कंडीशन पाई गई है और उसका संभव कारण भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन इनफर्टिलिटी ही है, क्योंकि ये राजघरानों में अक्सर शादियां हैसियत देख के होती है, इसलिए वो शादियां अक्सर घराने के अंदर ही अपने रिश्तेदारों में से ही किसी से करानी पड़ती है, जिसके वजह से ये कंडीशन आगे जाके निर्माण होती है। इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन इनफर्टिलिटी को हम तीन थियरी से सपोर्ट कर सकते हैं। पहले तो यह साइंटिफिक आर्टिकल जिसमें डार्विन के ही परिवार में होने वाले बांझपन की वजह इनब्रीडिंग डिप्रेशन को माना गया है, इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और डार्विन के खुद के ही परिवार में आगे जाकर ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखा गया था। और अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन इनफर्टिलिटी के बारे में पहले किसी ने अगर जानकारी लगाई है तो शायद वो डार्विन ही थे, लेकिन उस समय वो इस बात को साबित नहीं कर पाए, लेकिन कई सालों के बाद आज हम जानते हैं कि इसके पीछे का कारण भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन इनफर्टिलिटी ही रहा होगा। और दूसरी थियरी ये है कि हर राजा ने उत्तराधिकारी को गोद नहीं लिया, कुछ राजाओं को संतान प्राप्ति हुई, जैसे कि 400 वर्षों के बाद 2017 में अभी के राजा को संतान प्राप्ति शादी के एक वर्ष पश्चात हुई। इसका कारण ये हो सकता है, भले ही दोनों राजघराने से संबंधित हो लेकिन राजा मैसूर राजघराने के थे और रानी राजस्थान के दुर्गापुर राजघराने की थी, वे दोनों शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे लेकिन अलग राजघराने के थे। लेकिन ये एक सवाल सबके मन में आएगा कि क्या सिर्फ बांझपन का डिफेक्टिव जीन या फिर जो कमज़ोर घटक है वो वंश में चलता रहा या कोई और भी कोई कमज़ोर घटक थे जो वंश में चलते रहे। तो मैसूर पैलेस का टूर लोगे तो वहाँ कुछ राजाओं की प्रतिमाएँ भी देखने को मिलेगी और कुछ प्रतिमाओं में राजा कदकाठी से कम भी नज़र आएंगे। इसका मतलब वो डीएनए जिससे हाइट तय होती है उसमें भी कुछ दोष थे, जिसके वजह से कुछ राजा कदकाठी में कमज़ोर थे, कुछ राजा कद में कम थे। तो यह था तीसरे श्राप का संभव वैज्ञानिक कारण। जहां मंत्री जी इस श्राप पर रिसर्च चाहते हैं, मेरी यह वीडियो शायद उनकी रिसर्च में एक दिशा प्रदान करे। दोस्तों, बांझपन एक श्राप नहीं है, एक मेडिकल कंडीशन है और इस दोष पर सही चिकित्सा द्वारा इलाज हो सकता है, सिर्फ उसका कारण समझने की देर है। तो जैसे कि मैंने इस स्लाइड में बताया, कभी कभार कुछ सूक्ष्म जेनेटिक दोष बच्चे के जन्म होने के कुछ दिनों के बाद अपनी विकृति दिखाना शुरू करते हैं, और ऐसी विकृति जब वो पेश करते हैं या फिर जब वो प्रेजेंट करते हैं तब काफ़ी देर हो चुकी होती है, बच्चे को काफ़ी नुकसान हो जाता है, कई बार बच्चों की मौत भी हो जाती है। कैसा रहेगा अगर ये नवजात शिशु की कुंडली हमें पहले ही पता चले और हमें पता चले कि ये नवजात शिशु को कौन सी ऐसे जेनेटिक कंडीशन है जो कुछ दिनों के बाद बच्चे को विकृति दे सकते हैं, बच्चे को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। तो इस टेस्ट को बोलते हैं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। तो इस वीडियो में हमने न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग को इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि किस प्रकार हम नवजात शिशु की कुंडली बना सकते हैं और ये नवजात शिशु की जो वैद्यकीय कुंडली है उससे बच्चे की जान को हम धोखा होने से बचा सकते हैं। तो ये जो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट है वही नवजात शिशु की कुंडली है, और ये नवजात शिशु की कुंडली अगर जन्म के समय निकाल ली आपने तो नवजात शिशुओं को आने वाले समय में अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो या फिर जेनेटिक दोष हो तो वो आप जल्दी पकड़ सकते हैं और उससे होने वाली विकृति या फिर उससे होने वाली मृत्यु से आप आपके नवजात शिशु को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। अगले भाग में हम विस्तार पूर्वक नवजात शिशु की कुंडली कैसे बनती है और जन्म में कैसे कुछ खून के कतरों से हम पूरी कुंडली बना सकते हैं और बच्चों को अकस्मात मृत्यु से बचा सकते हैं। अगले भाग में हम कोई भी मैसूर राजघराने की चर्चा नहीं करने वाले, बल्कि ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि नवजात शिशु की कुंडली कैसे देखे जाए, उसे कैसे बनाई जाए। मेरे हर वीडियो के अंत में मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी मेंशन करता हूँ, जिससे आपको पता चल सकता है कि मेरे अगले वीडियो कौन से विषय पर होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करिए कि कैसे आपको यह भाग लगा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए,
अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो चैनल को पहुँचाए। तो ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।